नमस्कार। मिशन शिक्षण संवाद के शैक्षिक दर्पण समाचार में प्रस्तुत हैं इस सप्ताह की महत्वपूर्ण खबरें। समर कैंप में बच्चों ने सीखी विभिन्न गतिविधियां। जनपद गौतम बुद्ध नगर के प्राथमिक विद्यालय डाढ़ा दनकौर में शिक्षिका मीना भाटिया द्वारा ऑनलाइन गूगल मीट द्वारा समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य बच्चों के ज्ञान को बढ़ाना है। इसमें बच्चों ने सरस्वती वंदना, योग, संगीत, नृत्य, वृक्षारोपण इत्यादि गतिविधियाँ की। वृक्षों के महत्व को बताते हुए बच्चों को वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित किया गया तथा मिशन शिक्षण संवाद द्वारा उपलब्ध ग्रीष्मकालीन गृह कार्य पर भी चर्चा की गई। शिक्षिका द्वारा बताया गया कि वह ऑनलाइन कक्षाओं का समय समय पर आयोजन करती हैं ताकि बच्चों का पढ़ाई से लगाव बना रहे और वह अपने कार्यों को सही ढंग से कर सकें। समर कैंप में बच्चों ने आर्ट और क्राफ्ट का प्रशिक्षण लिया। बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभा को निखारने के लिए जनपद कानपुर नगर के प्राथमिक विद्यालय बंसथी में 5 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों को सिलाई कढ़ाई के साथ साथ लिफाफे बनाना, पोस्टर तथा सामान्य ज्ञान के अंतर्गत 22 भाषाओं जिसमें सबसे ज़्यादा संस्कृत के शब्दों को जाना। बड़ौदा स्वरोजगार संस्थान की DST अनुराधा मौर्य ने कैंडल, धूपबत्ती और जूट से बैग बनाने का प्रशिक्षण दिया। बाल संसद 34वां अंक। मिशन शिक्षण संवाद द्वारा बाल संसद का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक रविवार शाम 6 बजे YouTube और Google Meet के माध्यम से किया जाता है। इस बार चर्चा का विषय रहा कौन कौन सी अच्छी आदतों से बच्चे असली हीरो बन सकते हैं। प्राथमिक विद्यालय डहिया फतेहगंज पश्चिमी बरेली के सहायक अध्यापक व विचारक प्रशांत अग्रवाल ने इस पर विस्तृत चर्चा कर बच्चों को बताया कि बिना लोगों की निगाह में आए अपने कार्यों को लगातार करते हैं तो वही महानता बन जाती है। सुबह जल्दी उठना, रोज नहाना, योगा करना, कपड़े सही पहनना इत्यादि अच्छी आदतों द्वारा हम अपने चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। आगे बताते हुए कहा कि अगर हम प्रार्थना भी करें तो पूरे मनोयोग से करें। अंत में सोने से पहले दिन भर के कार्यों पर नज़र डालें। आर्थियन पर्यावरण मित्र पुरस्कार। पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ व विप्रो की ओर से आयोजित पुरस्कार के लिए प्रदेश स्तर पर प्रोजेक्ट आमंत्रित किए गए। मास्टर ट्रेनर डाइट प्रवक्ता ने बताया कि इनमें सबसे ज़्यादा आगरा से चयनित हुए, जिसमें से एक प्रोजेक्ट का चयन राष्ट्रीय स्तर पर भी हुआ। आगरा से 10 विद्यालयों के 11 शिक्षकों का चयन हुआ और इन सभी को पुरस्कार के लिए मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में आमंत्रित किया गया। उपनिदेशक सुरेखा व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय संस्थान के प्रोफेसर अमिताभ पांडे द्वारा सम्मानित किया गया। इसके अंतर्गत सभी को बेंगलुरु की हवाई यात्रा व 50,000 की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। पुरस्कार पाने वालों में निधि, रिजवाना, पूजा, रानी, अंजू, ट्विंकल, योगेश, मिली, नीरज, अनीता, नेहा, सत्यपाल सिंह शामिल हैं। जनपद बलिया का प्रदेश स्तरीय थाई बॉक्सिंग में शानदार प्रदर्शन। जनपद वाराणसी के सनबीम स्कूल में प्रदेश स्तरीय थाई बॉक्सिंग में पूरे प्रदेश से लगभग 280 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। जनपद बलिया टीम के 5 बच्चों और कोच ने विभिन्न भार वर्ग में मेडल जीतकर विद्यालय तथा ज़िले का नाम रोशन किया। इस प्रतियोगिता में सतीश ने गोल्ड, स्मृति ने सिल्वर व प्रशांत कुमार ने कांस्य पदक प्राप्त किया। कोच अदिति सिंह तथा पूजा को क्रमशः गोल्ड व सिल्वर मिला। मिशन शिक्षण संवाद टीम उत्तराखंड की ऑनलाइन बैठक। मिशन शिक्षण संवाद टीम उत्तराखंड की ऑनलाइन बैठक में होने वाले वार्षिक सम्मेलन के बारे में विस्तार से चर्चा की गई, जिसकी अध्यक्षता राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालय सूर्यागांव के शिक्षक संतोष जोशी द्वारा की गई। ये सम्मेलन चमोली में प्रस्तावित है। कार्यक्रम के बारे में बताते हुए संतोष जोशी ने कहा कि आदर्श शिक्षकों का प्रतिनिधित्व इस कार्यशाला में होगा। सभी के कार्यों का वितरण जल्द ही किया जाएगा। शैक्षिक गतिविधियों में विशेष उपलब्धि प्राप्त बच्चों को अधिकारियों द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। संतोष जोशी द्वारा टीम के सुझाव व जानकारियों का आदान प्रदान करने के लिए कहते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया। शक्ति संवाद का 135वां एपिसोड। मिशन शिक्षण संवाद के शक्ति संवाद का 135वां एपिसोड का संचालन श्वेता श्रीवास्तव द्वारा किया गया।
आज की शक्ति स्वरूपा रूपम सक्सेना को श्वेता श्रीवास्तव द्वारा आमंत्रित किया गया, जो प्राथमिक विद्यालय कछपुरा सैफई जनपद इटावा में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। आपने अपनी शिक्षा के बारे में बताया कि घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, फिर भी अपनी मेहनत से बीएससी ऑनर्स गणित में किया और अपनी सभी कक्षाओं में प्रथम आती रहीं। अपने विद्यालय की दीवारों पर आपने स्वयं से पेंटिंग बनाई जो बच्चों को आकर्षित करती है। मिशन शिक्षण संवाद की शैक्षिक गतिविधियों जैसे प्रकृति मित्र अभियान, गौरैया संरक्षण, वीडियो निर्माण आदि से आप जुड़ी हैं। आपके माध्यम से विद्यालय के बच्चों को गतिविधियों के माध्यम से विषय को रोचक बनाकर सिखाया जाता है। वह चाहती हैं कि बच्चे पढ़ लिख कर अपने विद्यालय, समाज और देश का नाम रोशन करें। उन्होंने सभी को मिलजुल कर कार्य करने का संदेश दिया। अंत में सरिता राय द्वारा टेक्निकल टीम व सभी का धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया। इसी के साथ मिलते हैं दर्पण न्यूज़ के अगले बुलेटिन में। धन्यवाद।